आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी, जो कि मुझे आती नहीं, कटहल काटने नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब से देख के कटहल काटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ भी कट गया है, मतलब हाथ में सूजन हो गया, यहाँ पर रेड हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अपना सब्जी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मैंने कटहल को धुल लिया और धुल के इसको हम फ्राई कर देंगे। जिस कढ़ाई में मैंने कटहल फ्राई किया था उसी में मैं तेल डाल के मिर्चा और कुछ मसाले डाल के फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, प्याज के साथ मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और प्याज थोड़ा सा गलने तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को अपने ट्रांसफ़र कर लिया कुकर में। अब कुकर में मैं डाल रही हूँ मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी और अब इसमें मैं डालूँगी सब्जी मसाला। ये सब चीज़ें डाल के इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मुझे बाद में याद आता है तेज़पत्ता डालने के लिए, तेज़पत्ता और दालचीनी, तो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता और दालचीनी डाल रही हूँ। इन सबको डाल के अपनी सब्जी को हमें कर लेना मिक्स मिक्स में। मसाले होने के बाद हम डाल देंगे इसमें अपने कटहल जो कि हमने पहले फ्राई करके रखे थे। फिर यहाँ पे हम सब्जी में डाल देंगे नमक और उसको ढक के थोड़ी देर रख देंगे। जब सब्जी किनारे से तेल छोड़ेगी तो उसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और हम 2 से 3 सीटी तक वेट करेंगे। और यहाँ पे रही सब्जी,